नमस्कार। आज की वीडियो में हम आम के पौधे के ऊपर एयर लेयरिंग करना सीखेंगे। पहले देखते हैं एयर लेयरिंग क्या है। एयर लेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी टहनी के ऊपर जड़ें निकाल दी जाती है और फिर थोड़े दिनों में उस टहनी में जड़ें निकल जाती है प्रक्रिया द्वारा। फिर उसको या तो किसी उस टहनी को या तो किसी गमले में लगा देते या फिर बगीचे या फिर किसी खेत में लगा देते, जिससे उस छोटी टहनी जो बिल्कुल छोटा पौधा होता है फिर भी उसके वो फल या फूल आने लग जाते हैं। देख हम उस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको जैसे अभी ये आम का पौधा है, छोटा सा ही, ये भी पहले भी ग्राफ्टेड है, इसके ऊपर हम ये इस टहनी पर एयर लेयरिंग करेंगे। तो टहनी कैसे चूज़ करनी है, टहनी हमें ऐसे चूज़ करनी है जिसमें से और अलग टहनियाँ नहीं निकलती हो। जैसे इसमें देखिए एक दो तीन अलग अलग टहनियाँ निकल रही है और ये अभी नई टहनी है और इसी में हम लगाएंगे एयर लेयरिंग करेंगे। उसके लिए हमें 1.5 इंच जितना एरिया क्लीन करना है। यहाँ से मैंने पत्ते साफ़ कर दिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब या तो आप कटर का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेड का यूज़ करके आपको यहाँ से इतने इतने इसकी ये छाल उतारनी है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे इसके छाल उतार दी, उसके बाद आपको ब्लेड या चाकू से इसको मतलब इस तरह से करना है। ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ जड़ें निकालने में बहुत कारगर साबित होगी, सहायक। अच्छे से इसको ब्लेड या कटर को घुमा देना आपको इसके ऊपर। छाल उतार लेने के बाद हमें यहाँ जो हमने कट लगाए उसके ऊपर या तो आप कोकोपीट लगा सकते हैं, कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस ब्लैक गोल्ड का यूज़ करूँगा, ब्लैक गोल्ड यानी वर्मी कंपोस्ट, तो इसे मैं ब्लैक गोल्ड ही बोलता हूँ। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये मतलब पानी को स्टोर करने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है। जो अभी ये गीला है एकदम, और अभी इसको ज़्यादा दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक इसमें जड़ें निकल आएगी। तो इसको आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है पन्नी का इस्तेमाल करते हुए। एकदम मजबूती से बाहर से वापस पानी न जा सके और जिसमें इसे फंगस लगने का खतरा टल जाए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको चारों तरफ से एकदम टाइट बांध दिया और इतना टाइट बांधा कि ये देखो इसके अंदर जो पानी था वर्मी कंपोस्ट के अंदर, वो यहाँ से निकल के इस आम के पौधे के ऊपर से जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब ये जो प्रक्रिया है, अब इसको करने के बाद कम से कम 45 से 60 दिन का टाइम लगता है इसके अंदर जड़ें निकलने में। अभी हमने इस पन्नी का यूज़ किया तो इस पन्नी में आपको बाद में दिखाई देगा कि यहाँ पर जड़ें निकली हुई है। तो उसके बाद आपको सावधानीपूर्वक यहाँ से कटिंग करके यहाँ से इसको कटर से या किसी से भी काट सकते हैं, जहाँ से मतलब कट के थोड़ा सा नीचे से कटिंग करके आप इस पन्ने को उतार के या तो आप किसी गमले में लगा सकते हैं या फिर आप बगीचे में या फिर अपने खेत में भी लगा सकते हैं। और आपने बहुत से वीडियोस में देखा होगा कि छोटे छोटे पौधों के आम आ रहे, अमरूद आ रहे, बहुत सौ के नींबू आ रहे, तो वो उन टहनियों के नहीं आते, उनमें भी यही प्रक्रिया होती, उनमें भी इसी तरह ये एयर लेयरिंग कर दी जाती है और फिर उनको लगा दिया जाता है। और जब ये अभी ये टहनी मैच्योर है, अब आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर आ रहा है, फूल आ रहे हैं, ये छोटी छोटी केरियाँ भी आ रही है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा केरी आने में। तो यही प्रक्रिया है, और आशा करता हूँ आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैं अमरूद के, नींबू के और भी बहुत से पौधों के एयर लेयरिंग करना सिखाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।